खैरुद्दीन है इनका, और इनके पड़ोसी लईकुद्दीन का मस्जिद के पैसों की बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये नवंबर माह में झगड़ा किए थे और कल भी इसी बात को लेकर लईकुद्दीन, साहिलुद्दीन, आफ्ताब आदि लोग कई के घर पर गए थे झगड़ा करने। फिर इनके खिलाफ़ एक दादा तलवार वगैरह पेट लटे हुए लेकर गए थे। तो कई की रिपोर्ट पर इन लोगों के खिलाफ 143, 148, 149 और धारा 294, 506 बाजी का अपराध पंजीकृत किया गया था, जिसमें सभी लोग गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी प्रकार लईकुद्दीन ने रिपोर्ट की थी कि फ़हीरुद्दीन, अमीनुद्दीन ये आदि सफदर, इन चार लोग मेरे घर पर आए थे, मेरे घर में घुस के इन्होंने मारपीट की है, जिससे इनके खिलाफ 294, 452, 506 बाजी का अपराध पंजीकृत किया गया। किस मामले में मस्जिद के पैसों की बात को लेकर विवाद चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो मस्जिद के कोई पैसों की आमदनी होती है, जिसमें ये भी सदस्य थे फ़हीरुद्दीन और उसका परिवार, इस बात को लेकर इनका विवाद चल रहा है। सर पहले भी इनका कोई विवाद हुआ है? 11 महीने में भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के खिलाफ भी धारा 325 बाजी का अपराध पंजीकृत किया दोनों पक्षों की। सर इसमें कोई सुनने में आ रहा है जैसे कोई गोली वोली फायरिंग भी हुई है या कुछ ऐसा? गोली चालन की घटनाएं कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, बिल्कुल हर जगह बारीकी से अध्ययन कर लिया गया है। अर्धा तलवार वगैरह इनके यहाँ पे जब्त हुई है, 25 पाउंड का इजाफा किया गया है। ये तो सर हो रहा है जारी के वहाँ तो गोलियां चली है क्या? इस बात के कोई फैक्ट सर समाचार पत्रों में भी, बांकुरा में भी हर घर से हमने पूछताछ करी है, पुलिस ने कैमरे वगैरह भी चेक करे हैं, कहीं पे कोई गोली चलने का सर किन्हीं समाचार पत्रों में भी खबर लगी है गोली के जो खोके सहित? अरे ये मीडिया के माध्यम से पता चला तो इस संबंध में और वेट ना कर ली जाएगी। ऐसा कोई इनके पास कोई हथियार वगैरह? दर्दा तलवार मिली है, दर्दा तलवार है और फांसी बर्फे वगैरह मिले हैं, जब्त किए। पिछले कोई विवाद इनसे लोगों गाड़ियों से भी हथियार जब्त किए गए हैं, जो गाड़ी से ले गए थे, एक गाड़ी है MP 13 मेघनार, उसको भी जब्त, MP 13 EC 2735 जिसमें दादरा हथियार लेके गए थे, ये भी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। तो ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधियों को क्या विशेष? हाँ ये हमारे यहाँ निगरानी बदमाश है, इनके खिलाफ पहले से बाउंड ओवर है, जो धारा 122 जब तक फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से क्या इनके अवैध अतिक्रमण वगैरह होंगे वो भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। इनकी क्या विशेष कार्रवाई पुलिस की ओर से? अभी वर्तमान में तो इनको जेल भेज दिया गया है। कितने प्रतिबंधात्मक? ये तो माननीय न्यायालय के आदेश के पालन भेजा है, कितने दिनों के लिए किया गया हम नहीं बता सकते। मामले पिछले बार बताया ना, कुछ 6 महीने पहले भी नवंबर माह में भी झगड़ा किया था इन्होंने इसी बात को लेकर।